हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है आज हमारी वर्कबुक से पावर रिसोर्सेस के पास पेपर्स के सवाल। हमारे सामने एक सवाल यहाँ पर मौजूद है जिसमें एक मैप दिया हुआ है, और उस मैप को देखने के बाद अक्सर हमारे पास कुछ जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और हम ग्लू होके रह जाते हैं। तो कभी कभी हम सवाल पिक नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टू मच इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो उसके लिए मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं कि कभी भी मैप, ग्राफ, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, उनको एक्चुअल में रीड करने मत बैठ जाएं। सबसे पहले उसका नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री सवाल की तरफ जाएं, उसके बाद उसके इंफॉर्मेशन को देखें। तो सबसे पहले हमारे पास नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम थ्री गैस रीजन्स इन पाकिस्तान। अब हमें बताना है यहाँ से कि गैस रीजन्स कौन से हैं पाकिस्तान में। मैंने आपके लिए थोड़ी देर पहले ये सॉल्व करके रखा हुआ है, और चलते हैं देखते हैं हमारे पास कौन से रीजन्स हैं जो कि गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं पाकिस्तान में। हमारे पास एक नाम तो आप पहले से जानते हैं, सुई गैस, जहां से सुई से गैस निकलती है, तो वो कौन सा रीजन है? बलूचिस्तान का रीजन है। फिर हमारे पास एक मारी का रीजन है, ठीक है, जो कि सिंध में मौजूद है। तो हमने इसको अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद कराया था, सुई मारी, ताकि एक ही चीज से दो चीजें याद हो जाएं। सुई मारी, सुई जो है वो बलूचिस्तान में है, मारी जो है वो सिंध में है। यहाँ एग्जामिनर ने हमसे तीन रीजन पूछ लिए हैं। रीजन में हमारे पास सिंध है एक और वो खैरपुर का रीजन है, ठीक है। तो हम यहाँ तीन नाम दे रहे हैं, हम देना चाहें तो हम ऊपर एक और पोटवार के आसपास का भी एक रीजन है, वहां का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ तीन नाम पूछे थे तो हमने पहले तीन नाम दे दिए। मूविंग अलोंग विद द क्वेश्चन, हमारे पास इसी तस्वीर को देखते हुए पूछा है, यूजिंग योर ओन नॉलेज डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क इन पाकिस्तान। अब हम सवाल पे नहीं जा रहे, हम जरा इस मैप ही को देख लें। आप डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड जरूर याद रखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब है आपसे लोकेशंस के नाम पूछ रहा है, एरियाज पूछ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन अपने जहन में बनाने, इक्वल्स टू लोकेशन और इक्वल्स टू द एरियाज, ठीक है, उनके स्पेसिफिक नाम। अब ये पाइपलाइन आपके सामने जा रही, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कोयटा से कनेक्टेड है, मुल्तान से कनेक्टेड है, कराची से होते हुए जा रही है आगे पेशावर तक, ये आपने डिस्क्राइब करनी। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप सारे शहरों के नाम एक एक करके ले सकते हैं, आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप कराची से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप कोयटा से कनेक्टिंग रीजन बता सकते हैं, आप मुल्तान से कनेक्टिविटी बता सकते हैं, देन इट मूविंग ऑन टुवर्ड्स लाहौर एंड पेशावर एज वेल, आप बता सकते हैं नॉर्थ में जा रहा है, आप बता सकते हैं वेस्ट में जा रहा है, आप बता सकते हैं ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, इस तरह करके बता सकते हैं। आप इवन रीजन्स के नाम दे सकते हैं, प्रोविंसेस के नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने कितनी बातें यहाँ करनी है? चार बातें करनी है, चार शहरों के नाम नजर आ रहे हैं, चार प्रोविंसेस आप जानते हैं, तो तरफ सब तरफ से होता हुआ जा रहा है, आप ये नंबर आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में हमारे पास जो सवाल पूछा है एग्जामिनर ने हमसे, वो सवाल है, एक्सप्लेन वन वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस। अभी हमने ऊपर देखा कि पाइपलाइंस के थ्रू हो रही थी, अब वो कह रहा है एक्सप्लेन वन वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस टू पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान नॉट सर्व बाय द पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के अलावा किस तरह हम दे सकते हैं गैस, और उस नाम को बताना है, प्लस उसका एक डिसएडवांटेज बताना है, वन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, यू शुड डेवलप योर आंसर। अच्छा जी, इससे पहले कि हम सवाल की जवाब की तरफ एक्चुअली जाएं, मैं आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सप्लेन वाला सवाल कैसे करोगे भाई? जब भी एक्सप्लेन वाला सवाल आएगा तुम्हें दो चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें उसमें रीजनिंग देनी होती है एक्सप्लेन में। मैं अपने बच्चों को बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि जैसे फर्ज करें कोरोना वायरस की पाबंदियां जरा हट गई हैं, उससे पहले कुछ अर्से पहले क्या था, एक बंदा होता था मास्क पहना हुआ होता था, ठीक है, चले मुझे ही ले लें, मैं फर्ज करें मास्क पहना हुआ हूँ, यहाँ मेरे पास मास्क रखा हुआ भी है, ठीक है, मैं मास्क पहना हुआ हूँ, आपने मुझे डिस्क्राइब करना है, तो आप क्या कहेंगे? ही इज वेयरिंग अ मास्क, ठीक है, वेयरिंग ग्लासेस, दाढ़ी है, ठीक है, तीन बातें हो गई, और एक आदमी है, चार बातें हो गई, ठीक है, बेड पे बैठा हुआ है, चार बातें हो गई। ये सिर्फ चार बातें तुम्हें चार मार्क्स दिला देंगी बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्शन, तुम्हें सिर्फ डिस्क्राइब करना था, तुम्हें इसके आगे पीछे इसकी रीजनिंग नहीं देनी। एक्सप्लेन वाले सवाल में क्या होता है, ही इज वेयरिंग अ मास्क बिकॉज देयर इज अ पेंडेमिक आउट देयर, ठीक है, ही इज वेयरिंग ग्लासेस बिकॉज
he cannot see without the glasses, he has certain number of eyesight. ठीक है, अच्छा जी, तो ये दो reasons आपने develop करने, जब भी आपके पास होंगे. चार marks के लिए दो identification, दो description जिनकी reasoning देनी होगी, तो ये आपके पास चार marks बन जाएंगे. दो आइडेंटिफिकेशन की दो एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिफिकेशन के दो मार्क्स, एक्सप्लेनेशन के दो मार्क्स, तो चार मार्क्स हो गए. डिस्क्रिप्शन में सीधी सीधी चार बातें, ठीक है. अब कभी तीन मार्क का आ जाए तो क्या करेंगे, आप दो आइडेंटिफाई करें, एक एक को एक्सप्लेन कर दें. ठीक है, आपने चश्मा और मास्क बता दिया, इन दोनों में से कोई एक का रीजन दे दें, क्यों लगाया हुआ है, क्यों मास्क पहना है या क्यों चश्मा लगाया है, कोई एक बता दें, दो मिनट बताए. ठीक है, अच्छा जी, अब सवाल पे चलते हैं. हाँ जी, हम सिलेंडर्स की थ्रू करते हैं. सिलेंडर्स देखे होंगे आपने, लोगों के वहां जहां पे गैस नहीं होती वहां पे लोग सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, अब इसका कोई नुकसान है, इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये स्लो होता है. ठीक है, पाइपलाइन में गैस जरा कंटिन्यूसली आ रही होती है, इसमें हल्के आती है. ठीक है, और लिमिटेड होती है और एक्सपेंसिव भी होती है. छोटे पैक में जो चीज मिल रही होती है, बल्क क्वांटिटी जरा ज्यादा मिल रही होती है तो वो जरा एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन कम क्वांटिटी में कोई भी चीज मिल रही होती तो एक्सपेंसिव होती है. प्लस आपके पास उसका यूजेबिलिटी है ना, कि लेके मूव कर सकते हैं, इस वजह से भी एक्सपेंसिव होती है. देन इट कम्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट. ठीक है, और सबसे ज्यादा मुश्किल और बड़ी लिमिटेशन ये है कि दैट इट कैन लीड टू द एक्सीडेंट्स. ठीक है ना, तो अब आपने जब भी इनके बारे में बात करनी है, एक्सप्लेन वाले सवाल को सॉल्व करते हुए तुम्हें कौन से वर्ड्स की जरूरत होगी, तुम यूज करोगे बिकॉज, तुम यूज करोगे ड्यू टू, तुम यूज कर सकते हो हाउ एवर, तुम यूज कर सकते हो वेयर एज, ऑल दो, सच एज, दैट इज वाई, ये तुम्हारी रीजनिंग के वर्ड्स हैं. ठीक है, इनको यूज करोगे तो एग्जामिनर तुम्हें पक्के मार्क्स देगा. ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लेन के अंदर जाने वाले वर्ड्स हैं, तुमने यहां मैंने तुम्हें पॉइंट्स दे दिए, इन पॉइंट्स के थ्रू तुम इनको डेवलप कर सकते हो. ठीक है जी, आगे चले, हमारे पास सवाल है और सवाल में वो पूछ रहा है, स्टडी विच शोज द यूजेज ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान 2010-11 में. अच्छा, यहाँ पे ए और बी उसने हमसे पूछा था, अभी हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ ये सॉल्व किया है, जिसमें हमारे पास वो सवाल ये कर रहा है कि जी इंद की name the activities A and B which are two of the main users of the natural gas in Pakistan. तो हमारे पास देखें जी कौन से यहाँ बड़े users नहीं थे जिनको हमने पहचान लिया फौरन. हमें उसने fertilizer दिया हुआ था, हमें उसने industry दिया हुआ था, हमें उसने transportation दिया हुआ था, हमें उसने commercial दिया हुआ था. तो भाई हम तो दो बड़ी चीजें हमने यहाँ देखी नहीं, तो automatic था वो answer हमारा. A power क्यों हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये पावर, किसी 28-27% जो इस्तेमाल हो रहा है वो पावर में हो रहा है. उसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, हाउस होल्ड्स में या डोमेस्टिक में. ठीक है, तो ये दो हमारे पास ए और बी आ गए. इसके साथ साथ चलते हैं, देखो स्टेट टू वेज इन विच नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड टू होम्स. ऊपर ही तो अभी बात की थी हमने, एक उसने पाइपलाइंस दिखाई थी हमें, दूसरा सिलेंडर हम कह चुके थे, तो दोनों बातें यहां आ गई. याद रखें, कभी कभी पूरे पेपर में आपस में मिलती जुलती बातें, जो एक सवाल का सवाल होता है दूसरे का जवाब होता है, तो कभी कभी वो मिल जाती हैं. ठीक है, तो इसको जरा ख्याल में रखिएगा, पहले पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रेस अगेंस्ट टाइम वाला पेपर नहीं होता हिस्ट्री की तरह. ठीक है, तो पूरे सवाल को देख लिया करें, उसके बाद सॉल्व करें, हो सकता है कोई सवाल ही दूसरे का जवाब बन रहा. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे तीसरे में पूछा जी परसेंटेज शेयर बताएं नेचुरल गैस का. वही तरीका, हमने नहीं देखना सवाल के कंटेंट को, हम एक्चुअल सवाल के पास जाएंगे. सवाल में वो कह रहा है हमें यहाँ पर, कंप्लीट फिगर बाय ड्राइंग द बार फॉर डोमेस्टिक यूज यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो. 18% डोमेस्टिक के लिए कह रहा है. यहां से हमने देखा ये नंबर 20 था, 20 से दो ब्लॉक्स पीछे हमने देखा 18 होगा, 18 के ऊपर लेकर गए लाइन पर, तो हमें यहाँ पर एक लाइन लगा दी, और उस लाइन को हमने फिर जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक के बाहर चल रहे थे ऐसा कर दिया. आप चाहें तो इसको शेड कर दें पेंसिल से, मैं अभी कर नहीं रहा था ताकि आपको बुरा ना लगे, बहुत शेडिंग पे अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने नहीं किया, और समझाना भी था इसलिए. दूसरी चीज, नेम टू अदर सेक्टर दैट यूज द नेचुरल गैस विच आर नॉट शोन इन द फिगर. अब इस वाली फिगर में तो नहीं दिखाया, लेकिन हमारे पास इससे ऊपर वाली फिगर थी. मैं आपको ये बात बावर कराना चाह रहा हूं कि आपके पेपर के अंदर ही अगर सवाल लगातार एक साथ आया हुआ है
कोई 25 मार्क का सवाल पूरा का पूरा आया हुआ है, या पूरे के पूरे 5 सवालों में कहीं ना कहीं कोई सवाल किसी ना किसी की जगह जवाब का असर छोड़ रहा होता है। तो अगर आप ऊपर देखें तो यहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, या इंडस्ट्री है, पावर हाउसहोल्ड हमने कर लिया, और फर्टिलाइजर है, ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल है। अब जाके नीचे देखते हैं कि वहां क्या नहीं है, कौन सी चीजें आ सकती हैं। सवाल पूछा था वो कि दो अदर सेक्टर बता दो, यहाँ कौन से दो अदर सेक्टर नहीं है, एक फर्टिलाइजर नहीं है और एक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठक करके ऊपर से ही लेके हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्वियसली पहले से भी पता था, तो हमें जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना जरूरी था। ठीक है जी, नाउ हियर इज अ ट्रिकी वन, कंप्लीट द पैसेज, पूरा पैसेज है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, नीचे बहुत सारे नाम दिए हुए, मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व कर दिया है ताकि आपको पास पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशंस, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल, गैस बर्न टू मेक स्टीम दैट मूव्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफॉर्मर्स कंट्रोल द वोल्टेज एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी टू पाइलन्स थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 5 के 5 आपने सही किए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट द फ्यूल सीएनजी इज एंड स्टेट मेन रीजन फॉर यूजिंग दिस फ्यूल। ठीक है जी, 4 मार्क का सवाल है, वही एक्सप्लेन वाले तरीके आपने इस्तेमाल करने हैं। सीएनजी इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है जी, इट इज एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू गैसोलीन मेड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस मीथेन डाउन टू लेस देन 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम। सीएनजी फ्यूल इज सेफर देन गैसोलीन एंड डीजल बिकॉज, आ गया बिकॉज, इट इज नॉन टॉक्सिक एंड इट डज नॉट कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर। ठीक है जी, दो रीजनिंग आपने, एक ऊपर दे दी इको फ्रेंडली है, नीचे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि नॉन टॉक्सिक है और कंटेमिनेशन नहीं करती ग्राउंड वाटर को, और एक मार्क आपका सीएनजी के बारे में बताने का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास टू व्हाट एक्सटेंट वाला सवाल है। टू व्हाट एक्सटेंट वाले सवाल में वो कह रहा है जी आपके पास सुई गैस पहले से मौजूद थी, छोटे मोटे आपको और एडिशनल गैसेस मिलती रहती हैं पाकिस्तान में, टू व्हाट एक्सटेंट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस इंडस्ट्री इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे पास जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई है उसमें हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ किस तरह। सबसे पहले तो हम इंक्रीज करेंगे अपने स्किल लेबर को और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, ठीक है, ताकि हमारे पास स्किल लेबर हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री में काम कर सके। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से टेक्नोलॉजी इन्हेंस करेंगे और टेलीकम्युनिकेशंस में एडवांसमेंट करेंगे ताकि हमारी माइनिंग और भी अच्छी हो सके, हम कुछ नई जगहों पर माइन कर सकें इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से। हमारे पास बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हम माइनिंग नहीं कर पाते, एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, तो इस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम वहां पे ये काम कर सकेंगे बेहतर। ठीक है जी, देन वी शुड हैव अ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमारी इस माइनिंग इंडस्ट्री को, जो हमारी नेचुरल गैस की फर्दर डेवलपमेंट को बेहतर कर सके। ऑन द अदर हैंड, इन सारी 3 अच्छी बातों के बाद हमने एग्जाम्पल भी दे दी, अब हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहे हैं। लैक ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं है हमारे पास जिसकी वजह से हम बड़ी मशीनरीज नहीं अक्वायर कर सकते, ठीक है, और हमारे पास लोगों के पास लैक ऑफ अवेयरनेस का भी मसला है, वो जो वर्थ होती है एक स्पेसिफिक एक चीज की और अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी हमारे पास नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव, कमिंग टू द पॉजिटिव पॉइंट विच इज द विनिंग पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं हम अपने पास आगे के टाइम में, फर्दर डेवलपमेंट में। हो सकता है हम शुरू में इन सारी चीजों का ख्याल ना रख पा रहे हो, लेकिन अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, फर्दर डेवलप कर रहे हैं, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ख्याल रखना होगा। जैसे कि किसी भी जगह पे हम किसी भी नेचुरल गैस माइन कर रहे हैं या बट वट एवर हम कोई भी चीज माइन कर रहे हैं, तो हम रिफॉरेस्टेशन या प्रॉपर डिस्पोजल या प्रॉपर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज जो होता है उसका ख्याल करें। दूसरा एडिशनल पॉइंट यहाँ पर मैं एक और बता सकता हूँ आपको, एक और विनिंग पॉइंट भी हो सकता है, हम इंसेंटिव्स फराहम करें लोकल इन्वेस्टर को। या लास्ट टाइम हमने बात की थी तो हम फॉरेन इन्वेस्टर को दे रहे थे, अब यहाँ पर हम एक स्टेप अहेड जा रहे हैं क्योंकि हमने फर्दर डेवलप करना है, तो हम लोकल इन्वेस्टर को इंसेंटिव फराहम करेंगे ताकि वो कम्पीट कर सके फॉरेन कंपनीज के साथ, और वो जो जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह हमारी इंक्रीज स्किल लेबर है
वो हमारे पास यहाँ फिटिंग हो सके। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फायदे की बात जरूर पता चली होगी। आखिरी में, स्पेशली फॉर दोज हु आर वॉचिंग मी ऑन द यूट्यूब, एक चीज बता रहा हूं, शायद काम आ जाए। वो काम ये कि जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, ये जो तुम्हारे फर्दर डेवलपमेंट वाला पॉइंट है, ये तुम किस तरह अक्वायर कर सकते हो, कैसे? देखो, तुम्हारी फर्दर डेवलपमेंट का मतलब, अगर तुम एक स्टेप इसको पीछे ले जाओ, यानी मतलब तुम्हारी फर्दर डेवलपमेंट क्या होगी कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगी, उसको तुम सॉल्व कर रहे होगे, देन यू विल बी एबल टू डेवलप फर्दर। समझ आ रही बात? तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करने के लिए एबल हो गए, देन यू विल बी एबल टू डेवलप फर्दर। यहां तक बात समझ आ गई? अगर यहां तक बात समझ आ गई तो मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आमतौर पे। ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हुए, कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट अटेंशन नहीं दे, ठीक है, ये वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो तुम हर सवाल में कहीं ना कहीं फिट इन कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट का अटेंशन ना देना, तुम्हारे पास पैसे ना होना, तुम्हारे पास स्किल्ड लेबर का ना होना, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी का ना होना, तुम्हारे पास अवेयरनेस ना होना, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, और इनके अलावा हो सकता है तुम ये सब कुछ करते हुए कहीं इन्वायरमेंट की तो ही नहीं बजा रहे, कहीं इन्वायरमेंट तो नहीं अफेक्ट कर रहे, तो ये भी तुम्हारे पास एक बहुत काम की चीज है। जैसे कि तुम डिफॉरेस्टेशन कर देते हो तो नेचुरल हैबिटेट्स वहां से निकल जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या माइनिंग का वेस्टेज है, लैंड डिफॉर्मेशन है, और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर है, या फिर अगर फिशिंग के इंडस्ट्री में चले जाएं, चैप्टर में चले जाएं, तो वहां पे ओवर फिशिंग, तो ये सारी चीजें तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। तुम इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? अब सुन, तुम्हारे पास ये जो प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट अटेंशन नहीं देती, गवर्नमेंट ने अटेंशन दे दी, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, पैसा नहीं था, गवर्नमेंट ने पैसा प्रोवाइड कर दिया बाय गिविंग लोन्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने अटेंशन कैसे देनी है, पॉलिसी बना के, पैसा कैसे देना है, लोन्स के थ्रू, स्किल लेबर कैसे देना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दे के, टेक्नोलॉजी कैसे देनी है, हो सकता है किसी चीज पे सब्सिडी दे दे और वो आपके लिए आसान कर दे, ठीक है, आपने कोई आपके लिए कोई इम्पोर्ट आसान कर दे। ठीक है, अच्छा, लैक ऑफ अवेयरनेस कैसे सही हो सकती है, गवर्नमेंट कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू या किसी मास कम्युनिकेशन के थ्रू अवेयर कर दे। ठीक है जी, याद है अभी कोरोना वायरस के थ्रू जब हम फोन मिलाते थे तो एक लेडी या एक बंदा बात कर रहा होता था, कोरोना वायरस इस तरह मौलिक जानलेवा मर्ज है, याद है? तो ये वो सारी चीजें जो अवेयरनेस फैलाती है। ठीक है, देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी और गवर्नमेंट फेवर कर रही होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करके देगी। ठीक है, ये हमने इंडस्ट्रीज के चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी तो कमाना है ना ये सारे काम करके। देन इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज बना देगी, खबरदार जो किसी ने इतने ज्यादा दरख्त काटे, खबरदार जो कोई ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग करने गया। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे सोल्यूशन है, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताए हैं। अभी तुम फर्दर कब डेवलप करोगे, जब तुम इन सोल्यूशन को अप्लाई कर रहे हो। समझ आ रही बात? अब गौर से इस सवाल को वापस जाके देखो, मैंने वो जो सॉल्यूशंस थे उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई किया तो फर्दर डेवलपमेंट हो गई। फर्दर इंसान तभी डेवलप करता है जब वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेता है, देन ही इज ऑन द राइट ट्रैक। तो ये तुम्हारे पास एक टेक्निक मैंने तुम्हें बताई, तुम अपने पास देख लो कि प्रॉब्लम्स किस किस तरह की होती हैं, लिख लो ऑन अ पेपर। ठीक है, उन्हीं का सोल्यूशन देख लो कि कैसे सोल्यूशन होगा। ठीक है, जगह जगह ये सारे सोल्यूशन किताब में भी मिले हुए, मेरे रिसोर्स पैक पर भी। ठीक है, ठीक है जी, आई गेस आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह दोबारा कभी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। डू वॉच द होल चैनल, आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगी। यू कैन फाइंड हिस्ट्री सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में सारी की सारी एक साथ चीजें हैं मौजूद। अल्लाह हाफिज, मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, थैंक यू।